नमस्कार, कर्मवीर ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पुस्तकालय सूचीकरण में मुख्य प्रविष्टि, उसके उद्देश्य, कार्य और संरचना क्या क्या होती है। प्रविष्टि एक पुस्तक का अंतिम अभिलेख होता है। प्रविष्टियों को दो भागों में बांटा गया है, एक मुख्य प्रविष्टि और सहायक प्रविष्टि, यानी मेन एंट्री एंड एडेड एंट्री। मुख्य प्रविष्टि किसी भी प्रलेख का मूल अभिलेख होता है, यानी बेसिक रिकॉर्ड होता है। यह किसी पुस्तकालय पुस्तक या प्रलेख से संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा सूचना देती है। वर्गीकृत सूची में मुख्य प्रविष्टियां पुस्तकों के क्रामक यानी कॉल नंबर के अंतर्गत बनाई जाती है। क्रामक यानी संख्या प्रलेख की, यानी वर्गांक तथा ग्रथांक का समर्षण सम्मिलित रूप होता है। पुस्तकों के विशिष्ट विषय को वर्गांक द्वारा प्रकट किया जाता है। मुख्य प्रविष्टियाँ इस प्रकार पाठकों के लिए विषय संबंधी उद्देश्य को पूरा करती है। यदि कोई पाठक अपने विषय से संबंधित सामग्री जानना चाहे तो मुख्य प्रविष्टि उसे इस संबंध में सभी पाठ्य सामग्री की सूचना दे देती है। क्योंकि वर्गीकृत सूची में मुख्य प्रविष्टियों का अरेंजमेंट क्लास नंबर के अनुसार होता है, इस कारण पाठकों को अपने विषय से संबंधित सभी पाठ्य सामग्री एक तर्कसंगत एवं सहायक रूप में मिल जाती है। मुख्य प्रविष्टि के स्रोत, प्रलेख की आख्या पृष्ठ पर दी गई सूचना के आधार पर ही मुख्य प्रविष्टि तैयार की जाती है। यदि हम प्रलेख के संबंध में अन्य सूचनाएं आख्या पृष्ठ के अतिरिक्त अन्य पृष्ठों पर भी उपलब्ध हो तो उसे भी मुख्य प्रविष्टि के लिए सूचना का आधार मानना चाहिए। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि सूची प्रविष्टियों के लिए सूचना प्रलेख के मुख्य आख्या पृष्ठ के अन्य पृष्ठों से अनिवार्य होगा। अब मुख्य प्रविष्टि की संरचना और अनुच्छेद क्या क्या होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। अनुच्छेद का अर्थ है कार्ड सूची में एक अलग या स्वतंत्र पैराग्राफ, अर्थात निम्नलिखित अनुच्छेद अलग अलग पैराग्राफ में लिखे जाते हैं जिनसे मिलकर मुख्य प्रविष्टि तैयार की जाती है। तो उस कैटलॉग कार्ड में सबसे जो ऊपर जो पैराग्राफ होता है उसको अग्र अनुच्छेद या लीडिंग सेक्शन कहते हैं। उसके जस्ट नीचे शीर्षक अनुच्छेद यानी हेडिंग सेक्शन, जहाँ उसके नीचे आख्या यानी टाइटल सेक्शन, उसके बाद टिप्पणी नोट सेक्शन, परिग्रहण संख्या और ट्रेसिंग सेक्शन। अगर अनुच्छेद में कॉल नंबर आएंगे और हेडिंग सेक्शन में उसके ऑथर का नाम आएगा, आख्या में किताब का जो टाइटल शीर्षक हुआ, नोट सेक्शन में उसकी जो संबंधित कुछ और सह जानकारियाँ, परिग्रहण में उसके एक्सेस नंबर जो फिक्स दिए होते, जो ट्रेसिंग में इनसे संबंधित सारी सूचना होती है, लेखक कितने दो या तीन है जो भी है उनके बारे में होती है। आगे देखते हैं हम, जैसे ये रफली बनाया गया है मुख्य प्रविष्टि अग्र अनुच्छेद, जो ऊपर ही पर होता है वो अग्र अनुच्छेद, यहाँ पर कॉल नंबर लिखा जाता है, वो कॉल नंबर हमेशा पेंसिल में ही लिखा जाता है। इसका मैं कैटलॉग कार्ड का फॉर्मेट अगली वीडियो में बताऊंगा, अभी कुछ थ्योरिकली जनरली चीज़ें हम देख रहे हैं। मुख्य प्रविष्टि शीर्षक अनुच्छेद में साधारणतया लेखक का नाम दिया जाता है। कुछ विशेष परिस्थिति में जब प्रलेख में लेखक का नाम न हो तो सहकारक अथवा आख्या अंकित करने का नियम है। ग्रंथ में उपलब्ध सूचना के अनुसार अधोलिखित तत्वों से शीर्षक अनुच्छेद में शीर्षक का निर्माण करना चाहिए। व्यक्तिगत लेखक का नाम, सहव्यक्तिगत लेखक का नाम, समष्टि लेखक का नाम, सहसमष्टि लेखक का नाम, कल्पित नाम जैसे सुडोनिम एंट्री, ये भी महत्वपूर्ण है। सहकार कोलोबोरेटर एंट्री, जो प्रकाश वगैरह जो होते हैं वो कोलोबोरेटर, सहकार का यानी जॉइंट कोलोबोरेटर, और प्रलेख की आख्या जैसे व्यक्तिगत विवरण, जैसे इस तरह जैसे कार्ड है ये, यहाँ पर जैसे किसी का नाम शर्मा रामशंकर, जैसे सरनेम पहले आ जाता है और उसके बाद कोस्टिंग उसका नाम लिखा जाता है। उसके बाद दो, अगर दो लेखक हो तो दोनों को एंड से जोड़ा जाता है। दो से अधिक हो तो पहले लेखक का नाम और एंड अदर जोड़ा जाता है। कल्पित नाम है तो उसको सुडोनिम, ये एंट्री हमें क्लासिफाइड कैटलॉग कार्ड की जो कुछ दिन बाद प्रैक्टिस करवा रहा हूँ उसमें आपको अच्छे से मैं बता दूंगा। तो इस तरह से कुछ एंट्रियां ये होती रहती है, जिसकी सारे जो नियम है
हम जब इसकी कैटलॉग कार्ड की प्रैक्टिस करेंगे उसमें सारे नियम जो जो होते हैं एक एक बिंदु बार हम क्लियर कर देंगे। धन्यवाद।